हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रीता जैसा ब्लॉग में आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे अपने घरों में। और जा और तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि मेरी तबीयत इस समय ख़राब चल रही है, तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो आज मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है क्योंकि हॉस्पिटल में सिंपल साड़ी ज़्यादा अच्छी है, तो मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है। और अभी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और वहाँ चल कर देखते हैं कि डॉक्टर क्या करता है और क्या चेकअप वगैरह करता है। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलती हूँ, मोटरसाइकिल से जाऊँगी इसलिए पूरा रोड का मैं वीडियो बनाऊँगी नहीं, क्योंकि गाड़ी पे बैठ करके वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, चक्कर से आने लगते हैं। तो जो मेन चीज़ होगा मैं आप लोगों को वही दिखाऊँगी, वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। और ये है मेरा रिपोर्ट जो कि मैं पॉलिथीन में ले रखी हूँ, तो रिपोर्ट लेके जा रही हूँ, देखते हैं क्या डॉक्टर बताते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल। और यहाँ पे बहुत भीड़ था दोस्तों, हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो यहाँ पे बैठे थे, डॉक्टर भी आए नहीं थे, तो सारे मरीज़ देख रहे हैं आप लोग खड़े हैं और सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने नंबरों का। और यहाँ पे डॉक्टर आ चुके हैं, इनके पीछे चार लोग जा रहे हैं। डॉक्टर पहले आते हैं तो सभी का मरीजों का पहले चेकअप करते हैं, जो लोग भर्ती रहते हैं उन लोगों का। तो दोस्तों काफ़ी भीड़ था, मतलब हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में तो वैसे भीड़ होता ही है, लेकिन काफ़ी भीड़ था। तो जो जहाँ भी खड़ा था वो वहीं खड़ा होकर इंतज़ार कर रहा था कि उनका नंबर कब आए और कब अपना वो दवा वगैरह चेकअप कराएँ। तो काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो काफ़ी टाइम लग गया था। तो यहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना चेकअप करा रहे हैं। तो डॉक्टर बैठ चुके हैं दोस्तों, सभी लोग जा रहे हैं दवा दिखाने के लिए और मैं भी अंदर जा चुकी हूँ और अंदर से बस आ चुकी हूँ। तो अब जा रहे हैं दवा लेने के लिए, तो दवा मेडिकल स्टोर जो है हॉस्पिटल के अंदर ही है, तो यहीं से हम लोग दवा ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड खड़े हैं लाइन लगा करके दवा लेने के लिए मेडिकल स्टोर में, तो यहाँ हम लोग दवा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे दूसरे जगह, क्योंकि उनको एक जगह और काम है, तो यहाँ से हम लोग निकल के वहीं जाएंगे फिलहाल। तो यहाँ पे दवा ले रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कितने मरीज यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं बहुत मरीज यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपने मौसी से मिलने आई हूँ, तो यहाँ पे आए हैं, चाय पानी पिए हैं, थोड़ा बहुत बातचीत किए हैं मौसी से, क्योंकि हमेशा आना नहीं होता है, बड़े दिनों बाद आना होता है। तो यहाँ पे मौसी से मिलने चले आए थे, दवा लेने आए थे। और यहाँ पे दोस्तों हम, मेरे हस्बैंड कुछ काम से आए थे यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनाने के लिए, तो यहाँ पे गाड़ी खड़ा करके जा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड अपना ड्राइवर लाइसेंस बनाने के लिए अंदर गए हैं, तो मेरे को बाहर यहीं पे खड़ी थी, बाहर मुझे रोड पे खड़ा कर दिए थे। तो यहाँ पे मैं खड़ा होकर थोड़ा इधर उधर का वीडियो बना रही थी और थोड़ा सा यहाँ पे नींबू पानी भी पिया था मैंने, प्यास सी लग रही थी। तो इसके बाद यहाँ पर हम लोग आए थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि गाइस मैं घर पर आ चुकी हूँ हॉस्पिटल से दवा ले करके। डॉक्टर ने 15 दिन का दवा दिया है, बोला है कि भाई दिक्कत हो तो फिर आना, नहीं दिक्कत होगा तो मत आना। तो दवा लेके आ गई हूँ,
अभी मैं बस हाथ मुँह धुलाई करके खाना खाई हूँ, क्योंकि शाम के 4 बज चुके हैं, हमें बहुत दूर पड़ता है हॉस्पिटल जाने में। तो सुबह निकले थे हम करीब 11 बजे के, और 4 बजे अपने घर पे आए हुए हैं। तो अभी खाना वाना खा के छुट्टी पा लिया है। अभी मैं जा रही हूँ कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि इतना तेज़ धूप लग रहा है, इतनी तेज़ धूप में जाओ आओ तो सर थोड़ा घूमने लगता है। तो थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी। तो छोटा सा वीडियो बनाया है दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, पसंद आए तो नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, तो बाय बाय दोस्तों।